नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रप्रीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक फॉर बिजनेस पर। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके हाजिर हूं मैं। तो जो कि आज का पॉडकास्ट है हमारा फ्रेंड्स, वो है एक हिंदी कलेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन में आपको फ्रेंड्स शेर व शायरियाँ, मैसेजेस, जॉक्स, ये सब कुछ मिल जाता है, और वो भी अपडेटेड, मतलब टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। कि ये नहीं कि आपको सेम कंटेंट ही मिलेगा, टाइम टू टाइम अपडेटेड कंटेंट इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड रहेगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंद्रप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक फॉर बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम किस प्रकार करना है हिंदी कलेक्शन को यूज़ और कैसे पढ़नी है शेर व शायरियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हिंदी कलेक्शन की तरफ। टू स्क्रीन, थ्री स्क्रीन, मिरर मोड, वीडियोर, सेंटर, टू स्क्रीन, इट म्यूजिक, हिंदी कलेक्शन। तो ये है फ्रेंड्स एप्लीकेशन हमारा हिंदी कलेक्शन। आपको एक बार दोबारा नाम दिखा देता हूँ, हिंदी कलेक्शन। तो ये है फ्रेंड्स हमारा हिंदी कलेक्शन ऐप। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर पहुंच चुका हूँ। हिंदी कलेक्शन, शेयरी, शेयरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देख लेते हैं इंटरफेस इसका। हिंदी कलेक्शन पहले नंबर पे है, हिंदी कलेक्शन नाम बोलता है उसका। मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शंस कुछ खास नहीं है इसलिए नहीं दिखाऊंगा। अब कुछ इसके आगे कुछ टैब्स हैं, मतलब कुछ सेशंस हो जाते हैं शुरू, तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो इंग्लिश में शेयरी लिखा होगा उसमें आपको लाइव डेली अपडेटेड शेयरीज मिलती रहेंगी, मतलब अपडेटेड शायरीज मिलती रहेंगी। अपने आप ही यहाँ पे डेली की डेली टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं शायरीज, कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ कुछ घंटे के बाद यहाँ पे आपको डेली चेंज मिलेंगी। ठीक है, तो आपको पहले इसके बाद मिलेगा टैब, आपको पहले सारे टैब्स दिखा देता हूँ। शायरी, तो जो दूसरे नंबर पे शायरी है, यहाँ पे आपको सेशंस में शायरी मिलेगी, मतलब कि आपको कैटेगरीज में शायरी मिलेंगी, जैसे लव शायरी, बेवफाई शायरी या ऐसे फ़नी शायरी ऐसे। ठीक है, फ़ोटो, फ़ोटो, फ़ोटो सेशन में आपको फ़ोटोज़ में शायरी या थॉट्स वगैरह लिखे मिलेंगे। जोक्स, जोक्स, जोक्स सेशन में आपको फ्रेंड्स जोक्स मिल जाएंगे, अपडेटेड जोक्स जो डेली के रहेंगे। मैसेज, मैसेज, मैसेज सेक्शन में आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो दो तीन लाइनों के मैसेजेस वगैरह होते हैं। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सेशन किसी काम का नहीं है, ये डेवलपर्स का है। स्टेटस, स्टेटस में आपको जो व्हाट्सएप पे हम स्टेटस वगैरह या थ्री टू लाइंस के स्टेटस लगाते हैं, मतलब वो मिल जाते हैं। स्टेटस जो हिंदी में स्टेटस लिखा है इसमें आपको जो कि है स्टेटस Selected. जो इसमें आपको कैटेगरी वाइज कैटेगरी स्टेटस मिल जाएंगे। तो हम फ्रेंड्स पहले टैब से शुरू करते हैं। तो पहला टैब है हमारा हिंदी शायरी, शायरी टैब, शायरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा पहला टैब है शायरी टैब, तो इसको देखते हैं हम पहले क्या मिलता है हमें यहाँ पे। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं, सुख मिलता है आपस के प्यार से, अपनों के साथ से, अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। यहां पे पहले शायरी पड़ेगा, ठीक है, कॉपी। उसके बाद आपको साथ ही में एक बटन मिलता है कॉपी, अगर आप इस पे डबल टैप करते हैं तो आपके ये क्लिक बोर्ड पे कॉपी हो जाएगा और आप यहाँ इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बट अगर आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे तो इसका लिंक भी साथ में कॉपी हो जाएगा, और आपका जब भी किसी को शायरी पेस्ट करके सेंड करेंगे तो उसको लिंक भी शेयर होगा। इसलिए आप, मैं यही कहूँगा कि आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ही कॉपी करें। ठीक है, मतलब शायरी के नीचे ही कॉपी, उसके बाद व्हाट्सएप डायरेक्ट, ये आपको व्हाट्सएप पे यहाँ से ले जाएगा और किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर, शेयर यहाँ से आपको शेयर की जितने भी आपके फ़ोन में ऑप्शंस होंगी, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो जो भी ऑप्शंस होती हैं शेयर करने की, वो आ जाएंगी और डायरेक्ट वहाँ पे आप शेयर कर पाएंगे। तो हो सके तो वाइट राइट पॉइंट, देखिए ये दूसरी शायरी है, नीचे की तरफ आप स्वाइप कर अप टू राइट तो आपको नीचे नीचे और शायरीज मिलती रहेंगी, और हर शायरी के नीचे आपको शेयर, शेयर बटन, कॉपी बटन, ये सारे बटन मिलेंगे। शेयर, व्हाट्सएप, कॉपी, देखिए, ठीक है, ये तीन बटन मिलेंगे व्हाट्सएप, उसके बाद शेयर,
asterisk raised hand with middle sway. Light skin hamesha. Smiling face with heart shaped eyes. Jindagi mein aise. Man and woman holding hands. Logon ko. Asterisk asterisk okay hand sign. Light skin pasand karo. Jinka. Heavy black heart. Dil. Asterisk asterisk person with blonde hair. Chehre se zyada. Face throwing a kiss. Khoobsurat ho. Throws asterisk good morning. Hindi collection. So Shari. Copy. Copy. WhatsApp. WhatsApp. Share. तो वही ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये है फ्रेंड्स, तो देखिए कॉपी पे क्लिक करोगे तो कॉपी टू क्लिक बोर्ड मतलब वो कॉपी हो जाएगा, आप कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे डायरेक्टली। व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए तो ये मेरी सारी चैट्स वगैरह आ गई, तो यहाँ पे मैं टिक लगा के शेयर कर सकता हूँ किसी को भी, मैं बैक आ जाता हूँ। बट ऐसे आप शायरी का जो पहला सेशन है शायरी जिसमें जो इंग्लिश में लिखा है, ऐसे आप उसको यूज़ करोगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपडेटेड शायरीज़ मिलती रहती हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग के टाइम गुड मॉर्निंग शायरीज़, गुड नाइट के टाइम गुड नाइट शायरीज़, या दिन में लव शायरीज़ वगैरह वगैरह अपने आप अपडेटेड होती रहती हैं यहाँ पे। कुछ कुछ टाइम के बाद नई नई शायरी मिलती रहेंगी आपको। अभी चलते हैं हम दूसरे टैब की ओर, अपने शायरी जो हिंदी में शायरी लिखा है उस पे शायरी तो डबल टैप करता हूँ। तो यहाँ पे हमें अब सेशंस मिलेंगे कुछ प्रेम शायरी, जैसे कि पहला सेशन है प्रेम शायरी, इमेज बटन, इमेज बटन, नई शायरी, इमेज बटन, इमेज, दोस्ती शायरी, दोस्ती शायरी, इमेज बटन, इश्क शायरी, इश्क शायरी, इमेज बटन, हंसी शायरी, हंसी शायरी, जन्मदिन शायरी, जन्मदिन शायरी, इमेज बटन, इमेज बटन, शुभकामनाएं शायरी, शुभकामनाएं, इमेज बटन, विवाह शायरी, विवाह, अन्य शायरी, अन्य शायरी। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ऐसे कुछ सेशन मिल जाते हैं, तो आपको एक सेशन में ओपन करके उसका मेथड बता देता हूँ कैसे उसमें से शायरी रीड करनी है। बाकी सारे सेशंस का मेथड सेम ही होगा। तो चलते हैं हम पहले सेशन प्रेम शायरी, प्रेम शायरी, ठीक है। पहला सेशन है, उसी के साथ में आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज बटन बटन बोलेगा। अगर आपका एलिमेंट आई डी वॉबर सिटी में जाके टॉकबैक सेटिंग्स में जाके वॉबर सिटी में जाके एलिमेंट आई डी ऑन है तो इमेज बटन बटन बोलेगा, उस पर डबल टैप कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी सारी शायरी आ चुकी है एक शायरी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पेज टू पेज शायरी मिलेगी, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे आप प्रेम शायरी, अनलेबल बटन, अनलेबल बटन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अनलेबल बटन बता देता हूँ जो भी हैं। जो पहला अनलेबल बटन है फ्रेंड्स वो है बैग जाने का, मैसेज कॉपीड। दूसरा जो अनलेबल बटन मिलेगा इस जो आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है उसको कॉपी करने का, किलो लिंक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फोर्टनाइट टाइप की प्रेम शायरी, इमेज बटन, तो नेविगेट अप बुराई पर अच्छाई की जी अनलेबल बटन, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो बटन होता है वो कॉपी का होता है, और अनलेबल बटन। जो तीसरा बटन होगा फ्रेंड्स वो व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज शेयर करने का बटन है, और अनलेबल बटन। जो फ्रेंड्स चौथा बटन है वो शेयर करने का बटन है button. जो पांचवा अनलेबल बटन है फ्रेंड्स वो आपको नेक्स्ट शायरी पढ़ने के लिए होगा, इसी कैटेगरी की जैसे कि प्रेम शायरी की नेक्स्ट शायरी पढ़ने के लिए होगा, ठीक है। तो जो पहला अनलेबल बटन था, अगर आप दूसरी शायरी पे हैं तो पहली शायरी पे आने के लिए होता है, और लास्ट जो पांचवा अनलेबल बटन है वो नेक्स्ट शायरी पे जाने के लिए है। तो पहली शायरी बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा लगता है एक उम्मीद रावण की तरह, हमारे दुखों का अंत हो और एक नई शुरुआत हो एक नए सवेरे की, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये है ना, तो अगर हमें नेक्स्ट पे जाना है तो हम टू फिंगर स्वाइप भी कर सकते हैं, जैसे हम आप होम स्क्रीन पे पेज चेंज करते हो वैसे टू फिंगर्स को राइट स्वाइप करोगे तो अगली शायरी आ जाएगी। कोई और कैटेगरी ओपन होगी थी प्रेम शायरी 2033, तो है ना। तो फ्रेंड जैसे आप देखो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाओगे, सॉरी मतलब नेक्स्ट शायरी की तरफ जाओगे, अगर आपको बैक जाना है तो टू फिंगर्स लेफ्ट स्वाइप करोगे, ठीक है। तो टू फिंगर लेफ्ट स्वाइप करके आप बुराई पर अच्छाई की जीत, पुरानी शायरी पे आ जाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है तो आप पांचवें अनलेबल बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है। ये देखिए Stop recording.
दोस्ती इम्तिहान नहीं विश्वास मांगती है, नजर और कुछ नहीं दोस्त का दीदार मांगती है, जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं पर आपके लिए 2000 मांगती है। हिंदी कलेक्शन पे क्लिक करके आप अगली शायरी पे भी जा सकते हो। और पहला अगर आपको दोस्ती इम्तिहान नहीं विश्वास मांगती है, नजर और कुछ बैक पे जाके भी आप अगली शायरी पे जा सकते हो। और हर शायरी पे आपको टू फिंगर स्वाइप करके भी जा सकते हो, आगे पीछे अप डाउन टू फिंगर्स लेफ्ट राइट करके भी अगली पिछली शायरी पे। और हर शायरी पे आपको ऊपर की तरफ 5 एंड लेवल बटन मिलेंगे, जिनमें से जो दूसरा बटन है वो कॉपी के लिए, थर्ड बटन है जो वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट शेयर करने के लिए, और जो फोर्थ बटन है वो शेयर करने के लिए किसी भी जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप दूसरी कैटेगरी की शायरी पढ़ सकते हो, मतलब कि जो शायरी हिंदी में लिखा है, जहाँ पर आपको कैटेगरी टू कैटेगरी शायरी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि प्रेम शायरी मैंने आपको एक सेशन दिखाया, बाकी सेशन सारे सेम ही है। देखिए नई शायरी, उसके साथ ही में इमेज बटन होगा। इस सेशन को ओपन करने के लिए इमेज बटन पे क्लिक कर दीजिए, और वैसे ही आपको 5 चैनल लेवल बटन मिलेंगे, और शायरियां वैसे ही जैसे पहले सेशन की पढ़ी वैसे ही आप इस सेशन की भी पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार दोस्ती शायरी उसके साथ इमेज बटन, तो ऐसे आप इस सेशन को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगले सेशन पर चलते हैं। Selected. Shiny. Photo. तो अब है फोटो सेशन। Shiny. Selected. Photo. तो अब आ गए हैं हम फोटो सेशन में। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने फ्रेंड्स को जैसे कि गुड मॉर्निंग वगैरह की यहाँ पे आपको फोटोज मिल जाती हैं फ्रेंड्स, या जो भी शायरी वगैरह की फोटोज अपडेटेड फोटोज रहेंगी यहाँ पे भी, तो दिखा देता हूँ। जहाँ पे पिक्चर इमेज व्यू बटन बोलता है तो ये पिक्चर ही होती है। सेव, यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आप अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकते हो। व्हाट्सएप, यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। शेयर, यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी को भी कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। हिंदी कलेक्शन, जैसे कि फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही है फोटो सेशन। Jokes. तो अब जोक सेशन में आ जाते हैं हम। जोक्स हमारा चौथा सेशन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पहले सेशन की तरह ही इंटरफेस मिलता है जोक्स, जो जोक्स सेशन है इसमें, तो आपको देख लेते हैं हम। मेरी पोस्ट पढ़कर मेरे संस्कार, मेरे विचार, मेरे एजुकेशन का पता ना लगाएं, आप पढ़कर हंस देते हैं, बस यही बहुत है मेरे लिए। कॉपी, तो कॉपी देखो, पहले हर एक जोक के नीचे कॉपी का बटन, व्हाट्सएप बटन, शेयर बटन। आपको पता है ये बटन किसके लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट जॉब पर वेब व्यू, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्लिक यस एक्सिट एप्लीकेशन नो बटन, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने asterisk smiling face with open mouth asterisk, ऐसे कौन से पुण्य के काम किए थे जो asterisk relieved face asterisk, मुझे इस जन्म में girlfriend मिल ही नहीं रही है asterisk rolling on the floor laughing face with stuck out tongue and wind, ऐसे ही copy whatsapp share वही buttons मिल जाते हैं। और उससे मुझे इस मोहब्बत से सख्त नफरत है asterisk pouted face asterisk, next area ऐसे खबरदार जो किसी लड़की ने मुझे I love you बोला तो asterisk rolling on the floor right to लेफ्ट स्वाइप करके आप पिछली वाली पढ़ सकते हैं, तो वैसे ही आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम सेशन ये किसी काम का नहीं है, इससे नेक्स्ट सेशन स्टेटस सेशन देखते हैं। एक नफरत पेंसिल फेस इंस्टाग्राम मैसेज सिलेक्टेड स्टेटस, तो स्टेटस सेशन पे हैं। इसका इंटरफेस भी फ्रेंड्स जैसे पहले शायरी का टैप था और दूसरा उसके बाद जॉक्स का टैप था, उसी प्रकार ये मैसेज स्टेटस का टैब, ये जो टैब है स्टेटस का सेशन है उस पर भी उसी प्रकार का इंटरफेस मिलता है आपको, जैसे कि एक नफरत पहला है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तो ऐसे कॉपी का बटन, शेयर वही बटन मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉसम, मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किस कॉपी व्हाट्सएप शेयर, तो वैसे ही आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके नेक्स्ट जा सकते हैं, और राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके बैक जा सकते हैं। तो अगला इंस्टाग्राम
एक देख लेते मैसेज, तो अगला मैसेज सेशन मैसेज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स देखे मैसेज सेशन में जैसे आपको दूसरा जो हिंदी शायरी जो हिंदी में था शायरी का टैब वैसा इंटरफेस मिलता है यहाँ पे आपको। इमेज बटन, इमेज बटन, बटन, लव मैसेज, लव मैसेज, इमेज बटन, बटन, उसके साथ ही में इमेज बटन, दोस्ती मैसेज, दोस्ती मैसेज, इमेज बटन, इमेज बटन, कॉलेज मैसेज, इमेज बटन, बटन, जोक मैसेज, इमेज बटन, जिंदगी मैसेज, इमेज बटन, पेरेंट मैसेज, इमेज बटन, इमेज बटन, बटन, इमेज बटन, बटन, रजनीकांत मैसेज, इमेज बटन, संता बंता मैसेज, इमेज बटन, बटन। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको ये कुछ मैसेजेस के टैब मिलते हैं, मैसेजेस के सेशंस मिलते हैं। तो मैं आपको एक सेशन बता देता हूँ, वैसे तो सेम इंटरफेस ही है जो शायरी वाले का था, तो बट एक सेशन का बता देता हूँ। इमेज बटन पे जाता हूँ, तो लव मैसेज अनलेबल्ड बटन, पहला अनलेबल बटन पिछली शायरी पे जाने के लिए, अनलेबल्ड बटन दूसरा अनलेबल बटन कॉपी करने के लिए, अनलेबल्ड बटन तीसरा अनलेबल बटन व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए, अनलेबल्ड बटन चौथा अनलेबल बटन शेयर करने के लिए, अनलेबल्ड बटन पांचवा अनलेबल बटन आपको अगली अगले मैसेज पे जाने के लिए, इसी सेशन के मतलब इस सेशन के अगले मैसेज पे जाने के लिए। तो उसे नेक्स्ट अपराध करने के बाद डर पैदा होता है और उस अपराध की बार बार याद आते रहना यही उसका दंड है। तो आप जैसे इसको नेक्स्ट आपको ये मिल जाएगा और आप टू फिंगर्स अगर राइट स्वाइप करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा मैसेज, और अगर टू फिंगर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो पिछला मैसेज आ जाएगा। ठीक है, टू फिंगर राइट स्वाइप करता हूँ। मोहब्बत रूह की खुराक है, यह भी अमृत की बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा कर देती है। मोहब्बत आत्मिक वरदान है, यह जिंदगी की सबसे पाक। लेफ्ट स्वाइप करता हूँ तो वही अपराध करने के बाद डर पैदा होता है और उस अपराध की ये देखिए याद रखे कि कभी कभी आप जो चाहते हैं और वो नहीं। तुमको तो जान से प्यारा बन टूटा हुआ फूल खुशबू दुनिया की सबसे खूबसूरत। फ्रेंड्स ये था हमारा मैसेज। तो बाकी के जो सेक्शंस हैं इस सेशन में, तो उन सेक्शंस को आप ऐसे ही पढ़ पाएंगे। दो जैसे दोस्ती मैसेज मैसेज पढ़ने हैं तो इमेज बटन पे क्लिक कीजिए, उस सेशन के मैसेज आप पढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, सिलेक्टेड मैसेज, इंस्टाग्राम स्टेटस, स्टेटस। अब रह गया हिंदी में जो स्टेटस लिखा है WhatsApp स्टेटस। तो जो हिंदी में स्टेटस लिखा है अब वो रह गया, तो उस पर टैप टैप करते हैं स्टेटस। तो यहाँ पे भी आपको फ्रेंड जो मैसेज वाला सेशन का आपने इंटरफेस देखा है वही सेम इंटरफेस मिलता है, जैसे कि मोहब्बत स्टेटस, मोहब्बत स्टेटस, इमेज बटन, इमेज बटन, दोस्ती स्टेटस, दोस्ती स्टेटस, इमेज बटन, इमेज बटन, रोमांटिक स्टेटस, रोमांटिक स्टेटस, इमेज बटन, इमेज बटन, एटीट्यूड स्टेटस, इमेज बटन, इमेज बटन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मोहब्बत स्टेटस में जाता हूँ, इमेज बटन पे डबल टैप करके इस सेशन के अंदर चला जाता हूँ मैं। नेविगेट अप बटन, वही हिंदी कलेक्शन, हिंदी कलेक्शन, अनलेबल्ड बटन पहला अनलेबल्ड बटन वही बैक जाने के लिए पिछली शायरी पे आने के लिए, अनलेबल्ड दूसरा कॉपी के लिए, अनलेबल्ड बटन तीसरा व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए, अनलेबल्ड बटन चौथा शेयर कहीं पे भी शेयर करने के लिए, अनलेबल्ड बटन पांचवा नेक्स्ट मतलब की स्टेटस पढ़ने के लिए। तो उसके आगे स्टेटस भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने नहीं मेरे दिल ने चुना है तुम्हें। ठीक है फ्रेंड्स ये है, और अगले पे जाना है तो टू फिंगर राइट स्वाइप करिए। जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है बताना भूल जाता हूँ। ये है ना, बैक जाना है तो पिछले पे, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको नेक्स्ट जाना है तो फिफ्थ लेवल पे भी क्लिक कर सकते हैं, बैक जाना है तो फर्स्ट लेवल बटन पे क्लिक करके पिछली वाली पे Unlabeled. तो ऐसे आप अपना चेंज कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो हमारा, यही था आज का yes. तो हाँ फ्रेंड्स यही था आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो कि हिंदी कलेक्शन के ऊपर था। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद। Nice.